Don't blind two steps. क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या काम है? मैं शहर पर नजर रखने में बिजी थी। बोलो अभी क्या हुआ? दे दो। ये लो। ये सब क्या है? ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो गई हूँ, लेकिन ये सब क्यों? गलत मत समझना पाको। उस कार्ड को पढ़ो। कार्ड? आसाही गांव के सभी बच्चे और परमेंस की तरफ से डियर सुमिरे होशिनो को। हमें पता चला है कि तुम सुमिरे की बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, वो मैं हूँ। अब तुम ये सुनकर गुस्सा मत होना। सुमिरे का परफॉर्मेंस होने वाला है और हम सब उसे बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहते थे। इसलिए पाको, हम सब चाहते हैं कि तुम ये सुमिरे तक पहुंचा दो। हम सब के लिए इतना करोगी ना? प्लीज प्लीज पाको प्लीज। ठीक है, मैं उसे ये सब दे दूंगी। क्या हुआ पायन? पाको मुझे 100 रुपए देना। वो क्या है ना, मैंने इस बुके के लिए तुम्हारा काउंटर भरा था। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा होमवर्क कर रही हूँ। क्यों, आज तुम डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं गई? पता है, आज सर ने बैक डांसर्स की कोरियोग्राफी चेंज कर दी है। मेरा काम नहीं था इसलिए मैं बोर हो रही थी, तो सोचा घर आकर होमवर्क ही कर लूं। अरे ये सारे फूल किसने दिए? सबका प्यार देखकर खुशी हो रही है ना? मुझे लगता है कि उनके लिए तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। क्या कहा? इसमें हंसने जैसा क्या है? भूल गई हो तो बता दूं, शो में मैं नहीं तुम परफॉर्म करने वाली हो। मैं बस तुम्हारी कॉपी रोबोट हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी एक्टिंग करती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? जानती हूँ, कई दिनों से काफी हादसे हो रहे थे इसलिए तुम पाको बन रही थी और तुमने डांस प्रैक्टिस नहीं की। मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही असली सुमिरे होशिनो हो। मैं पीठ नहीं पकड़ पा रही हूँ, मेरी बॉडी अब फ्लेक्सिबल नहीं रही। रुको रुको रुको, तुम्हें हो क्या गया है सुमिरे होशिनो? हमने बैक डांसर्स के स्टेप चेंज किए हैं, तुम्हारे स्टेप्स तो सेम है। सॉरी सर। सॉरी बोलकर सब ठीक नहीं होगा, और फिर से करते हैं, पिछली बार किया था वैसे ही डांस करना। पिछली बार की तरह? पर ओके ओके, शुरू से शुरू करते हैं। म्यूजिक। रोना बंद करो पाको, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, मुझे कहा गया था कि तुम असली सुमिरे हो, लेकिन तुम पहले की सुमिरे जैसी नहीं हो। डांस की लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तुमने बहुत दिनों से डांस प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रही। एक आइडिया है। फोरहेड टच करते हैं, उससे मेमोरी ट्रांसफर हो जाएगी और फिजिकल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। शायद तुम ठीक तो हो ना? चलो करके देखते हैं। फोरहेड टच। कैसा लगा? ऐसा लगता है मैं कर पाऊंगी। अब चलो साथ में डांस करते हैं। ठीक है। ताकि तुम बिल्कुल मेरे जैसी डांस कर सको जो मैं करती थी, एकदम प्रोफेशनल डांसर की तरह। पाको, मैं परमैन नंबर 1 बोल रहा हूँ। मुझे एक मिसिंग पपी मिला है, इसे इसके मालिक तक पहुँचाना है। इतना काम कर दोगी? कर दूंगी। हमेशा की तरह ली, पता नहीं ये लड़की वक्त पर आना आखिर कब सीखेगी। अरे लो वो आ गई। मैं डांस करते करते पहुँचा दूंगी।
पता नहीं हमारा खाना कब आएगा। हमारा खाना ट्रैफिक जैम में अटका पड़ा है और यहाँ पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। मैंने सुना बर्मैन नंबर 3 खाना नहीं ला पाया, इसीलिए पाको खाना ला रही है। लेकिन पायान होता तो अब तक तो हमारा खाना आ जाता यहाँ पर। पाको ने कहा कि वो अकेले खाना लेकर आएगी पर वो अभी तक नहीं आई। मैं जाकर देखता हूँ। अरे वो क्या है? पाको ने सब गड़बड़ कर दी। उसने राइस दाल सब मिक्स कर दिए। वो खाना डांस करते हुए ला रही थी। रायते के साथ अचार मिक्स हो गया और दही के साथ सांभर। उड़ते हुए डांस करना अच्छा आइडिया नहीं है, उससे उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। वो क्या कर रही है आजकल उसे भी नहीं पता। क्या कह रहे हो? जब से हमने उसे फूल दिए है वो बदल गई है। जब हमने उसे बुके दिए वो खुद को सुमीरे समझ रही थी। मैं ऐसा लगता है उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो पहले ही अलग थी, अब कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई है। हाँ सही कहा, उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन उसे समझाएगा कौन? मुझे नहीं समझाना। चलो स्टोन पेपर सीजर्स करके फैसला करते हैं। स्टोन पेपर सीजर्स। मैं हार गया। टेंशन मत लो, के चलो पाको को ढूंढते हैं। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं आगे फ्रंट समरसॉल्ट नहीं कर पा रही हूँ। हाय। देखो पाको, असल में क्या हुआ, क्या बात है? मैं जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें? देखो तुम्हें गलतफहमी हो गई है कि तुम सुमेरे जैसा अच्छा डांस कर सकती हो, इसलिए प्लीज अपने डांस को काबू में रखो और काम पर ध्यान दो। तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है मैं बेकार डांसर हूँ? क्यों बर्मैन के बच्चे? ये मैंने किया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ये क्या है क्या? तुमने परफेक्ट किया, अब तुम परफॉर्म कर सकती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसे अच्छी लड़की की कॉपी रोबोट हूँ। थैंक यू सुमीरे। लोग आ गए हैं। बर्मैन और बाकी दोस्त नहीं आए, मैं उनके सामने स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती हूँ। मैं बर्मैन नंबर 1 बोल रहा हूँ, हमें एक अर्जेंट मिशन पर जाना है कुछ लोगों को बचाने के लिए। अभी जाना है क्या? अभी जाना होगा, लोग मुसीबत में हैं। नहीं गए तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, इसलिए जाना जरूरी है। ठीक है रुको, मैं वहाँ आती हूँ। जाना होगा, पर मैं इनका नाम खराब नहीं कर सकती। अब कैसे होगा? मेरी तरफ से तुम बेस्ट परफॉर्मेंस देना। हाँ? हाँ या!